गुड मॉर्निंग बस ग्राउंड जाने लगे हैं, लेकिन नाश्ता नहीं किया क्योंकि अभी सुबह के 6:30 बज रहे, तो फटाफट यहाँ से फ्रेंड के होटल से नाश्ता करते और फिर निकलते फौरन। चने साथ में ऑमलेट और ये साथ में पराठे और साथ में चाय आ जाएगी। बिल्कुल अच्छा भाई, नाश्ता कर लिया है, अब निकलते फौरन फटाफट से ग्राउंड के लिए क्योंकि 7 बज रहे, हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। फटाफट निकलते फौरन। अच्छा मैं आया था ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए, जैसे ही ग्राउंड आया हूँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और लड़कों को भी मैंने बुला लिया है चेक करें, सारे लड़के पहुंच गए हैं लेकिन बारिश है। ये है भाई हमारे टीम के 2 इम्पोर्टेंट प्लेयर जो अभी भी हमारी वीडियो चलाए हुए हैं, चेक करें, चाय भी पी रहे हैं, शाहिद और उसके साथ है वहाब। अच्छा बारिश रुक गई है लेकिन ग्राउंड चूँकि फुल गीला है तो प्रैक्टिस तो आज होने से रहा। मैं घर जा रहा था, रास्ते में देखा कि अंकल जो है वो गर्मा गर्म समोसे बना रहे, तो यहाँ से समोसे खा लेते हैं और बल्कि खाते क्या है अपने साथ ले चलते हैं घर। घर जाके चाय भी साथ बना लेंगे और गर्मा गर्म खा लेंगे क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये देखिए अंकल बना रहे, कुछ बना लिए हैं, ये बना रहे 5-6 लेके चले जाते हैं तो घर वाले भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। ये बस समोसे हमारे तकरीबन तैयार है, एक साइड पक गया है, देखिए कलर भी ज़बरदस्त आया है और बस एक साइड बचा है, 2-3 मिनट में तैयार हो जाएंगे। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, एक तो भूख भी लगी है और दूसरा मौसम भी कुछ ऐसा है कि बस क्या कहें। समोसे हमने पकड़ लिए, अब जाते हैं घर को और इसको मज़े के साथ चाय के साथ खाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शावर लिया है ना, तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने सोचा कि ऊपर छत पे जाके थोड़ी सी धूप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मौसम इतना चेंज होगा, यकीन करें 2-3 मिनट धूप में खड़ा रहूँ ना, ठीक है, गर्मी लगने स्टार्ट हो गई और नीचे जा रहा हूँ। देखिए हालांकि इतनी धूप भी नहीं निकली, हल्के हल्के बादल भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं करता धूप में बैठने को क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। फ़ोन का कवर यहीं पे रखा हुआ था, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ कि किधर रखा है। ये भी बस तकरीबन अभी चेंज करने की हालत इसकी हो गई है, देखिए यहाँ से टूट गया है, लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा यूज़ किया, वरना मैं मंथ एक कवर यूज़ करता हूँ, इसको तकरीबन 2-3 मंथ हो गए यूज़ करते हुए। अच्छा टाइम हो गया शाम का, मैं यासीन के साथ आ गया बाज़ार, इसने कुछ मेडिसिन वगैरह लेके जानी थी तो मेडिसिन तो हमने ले लिए, लेकिन अब हमारा दिल किया कि कुछ काया पिया जाए तो हम आ गए भाई इधर जूस पीने। ये मैं बाद में वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए, मैंने सोचा ये लोग क्या सोचेंगे कि ये लड़का क्या कर रहा है, ज़्यादा लोगों को व्लॉगिंग का पता भी नहीं होता। और ये देखिए इतने में हमारा जूस भी आ गया बनाना, ये देखे इसमें हर चीज़ ऐड है, बादाम, स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल और ये साथ में थोड़ा सा और भी देते हैं, इसको कहते हैं स्पेशल जूस, ठीक है। ये 150 का ग्लास होता है। ये मेडिसिन हम लेके आए थे अभी, जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, नुमान लगा हुआ है, इसकी सेटिंग कर रहे हैं। ये तो हमने कल लेके आए थे, लेकिन ओ यार अभी हम बाजार गए थे, उधर जूस भी पिया था, ये हम लेके आए हैं, यासीन मेरे साथ था, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, झूठ बोल रहा है। दवाई लगाओ, बस बात नहीं करो ज्यादा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, झूठ बोल रहा है। दवाई लगाओ, बस बात नहीं करो ज्यादा, गजब बेइज्जती है। अच्छा तो मैं अपने दांत में देख रहा था, कोई चीज पसीये बहुत ज्यादा तंग कर रही है, भी पता नहीं क्या पसा है, खाना भी बाहरी का आया है तो हो सकता है गोश्त पसा हो, ठीक है। और कुछ भाई कह रहे थे कि व्लॉग बहुत ज़्यादा कम बना रहे हो, तो मैसेज वगैरह हो रहे, लीक भी हो रहे और कुछ आगे के कुछ ट्रायल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका बाद में बताऊंगा। उसके लिए भी प्रैक्टिस जारी है, सुबह के सेशन, दोपहर के सेशन, शाम के सेशन, ठीक है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस सारा दिन, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए व्लॉग
बनाता रहता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग डालूँ, और इंशाल्लाह कल भी बनाऊँगा। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।